नमस्कार दोस्तों, रोजगार विदंग के चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया था वर्ब जो है हमारी बेसिक, उसका आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, छोटे छोटे हैं, पार्ट देख के नहीं डरना है। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो 10 पार्ट में हो, 2 में हो, उसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, अगर पार्ट अगर आपको समझ में आ गई, अंग्रेजी जितनी पढ़ाई है तो कितने भी पार्ट हों, चाहे 20 हों 10 हों, और अगर आपको समझ में नहीं आई तो चाहे वो एक ही पार्ट में हो। ठीक है, तो मेन चीज है हमें सीखना है, हमें उतना सीखना है जितना हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। मैंने आपको बताया था अभी 2 प्रयोग इसमें रह गए हैं, हैव, एक तो हैव का प्रयोग और एक वुड का प्रयोग, एक हैव का और वुड का। ठीक है, तो हैव का प्रयोग अलग अलग होगा, वुड का अलग अलग होगा। तो ये कैसे है ये देख लेते हैं हम। मैं सारी वो चीज़ें आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि वो यहाँ समझने में आपको दिक्कत होगी, वो यहाँ पे हम छोड़ के जब वर्ब हम एडवांस का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ देख लेंगे। तो फिलहाल हम हैव देखते हैं। तो हैव का पहला प्रयोग कहाँ होता है? हैव का पहला प्रयोग होता है पजेशन के लिए। पजेशन माने अधिकार दिखाना, किसी चीज़ पे अधिकार दिखाने के लिए हैव का पहला प्रयोग है, अधिकार दिखाने के लिए। कैसे? जैसे आपके पास कुछ है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये पजेशन है ना, इस कार पे मेरा अधिकार है, मेरा पजेशन है। तो उसको दिखाने के लिए, तो यानी जिस चीज पे आपका अधिकार हो उसे दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग। शी हैज अ स्कूटी, आई हैव ए कार, शी हैज ए स्कूटी। दे हैव 2 हाउसेस, उनके पास 2 घर हैं। ठीक है, उनके पास 2 घर है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक स्कूटी है। तो एक पजेशन के लिए होता है, एक तो नेगेटिव भी होता है। आई, चौथा नेगेटिव है, डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। यहां भी पजेशन है, बस नेगेटिव में। ठीक है, कि मेरे पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके लिए कहां किसका यूज हम करेंगे? हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा हैव कहां यूज होता है? हैव होता है दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। किसके तौर पे? हेल्पिंग वर्ब। हैव कहां होता है? हैव की फॉर्म है, हैज, हैड, हैव, ये हैव की फॉर्म है। तो कहां यूज होता है? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, वहां हैव का हम यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है इसका मतलब। ठीक है, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि परफेक्ट, जो पूरा हो गया काम उसके लिए। परफेक्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव होती है, हैव की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। और जहां परफेक्ट का सेंटेंस होता है वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? थर्ड फॉर्म। यानी जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा हो हमारा हैव, तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है? थर्ड फॉर्म। इसके अलावा इसका प्रयोग होता है एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। किसमें होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, लगातार चलता जो आ रहा है काम, उसके साथ टाइम भी दे दिया कि कब से चल रहा है। एक तो सिंपल कंटिन्यूअस होता है, यानी मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड या आई एम हैविंग माई फूड। ठीक है, लेकिन एक है कि इतने टाइम से खा रहा है, इतने टाइम से इस चीज को कर रहा है वो, तो वहां पे किसका यूज हम करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस, लगातार भी चल रहा है और टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आई हैव ईटन द फूड, दे हैव गॉन, ये दोनों परफेक्ट के हैं, और अगर इनके साथ बीन और लगा दिया जाए और टाइम दे दिया जाए तो वो हो जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो हैव के 2 प्रयोग हुए, एक तो पजेशन के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है, और दूसरा प्रयोग इसका हुआ किसमें? हाँ, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा इसका एक तीसरा यूज है। तीसरा यूज इसका क्या है? तीसरा यूज है इसके साथ टू लगा देते हैं हम। क्या लगा देते हैं? हैव को हैव टू कर देते हैं, हैड को हैड टू कर देते हैं, और हैव को हैव टू, हैड को हैड टू, और हैज को हैज टू। तो इसके साथ अगर हम टू जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाता है कोई चीज हमें
जबरदस्ती एक तरह से करनी पड़ रही है, ठीक है, जबरदस्ती यानी बलपूर्वक करनी पड़ रही है, मजबूरी में करनी पड़ रही है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं हैव टू, हैज टू और हैड टू। जैसे किसी का पढ़ने का मन ना करता हो तो वो उसके लिए क्या सेंटेंस बन सकता है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, यानी मजबूरी है, जबरदस्ती कर रहा है तो कोई, या मेरी मजबूरी है कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब है आई हैव टू, टू लग गया तो इसलिए वर्ब की इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आपको पता ही है टू के बाद इंफिनिटिव यूज होता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, शी हैज टू गो टू मार्केट डेली, शी हैज टू गो टू मार्केट डेली, उसे रोजाना बाजार जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है, कोई सामान है मान लो, कुछ दुकान खोली हुई है उसके लिए सामान लाना है, मतलब कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मजबूरी है उसकी कि जाना ही पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मतलब कुछ ऐसी मजबूरी है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए यूज करेंगे आई हैव टू गो, ठीक है। शी हैज टू अटेंड क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, शी हैज टू अटेंड क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, उसे रेगुलर बेसिस पे यानी लगातार ही नियमित तौर पे उसे अटेंड करनी पड़ती हैं, क्लासेस माने कक्षाएं, उसे कक्षाएं नियमित तौर पे अटेंड करनी पड़ती हैं। तो ये आपने देख लिया हैव का प्रयोग पहला कहाँ था, पजेशन दिखाना है तो वहाँ हैव यानी रखना के सेंस में, मेरे पास एक घर है आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक कार है आई हैव ए कार, और कुछ अगर नहीं है तो उसके साथ नेगेटिव बना देंगे। दूसरा जो उसका यूज था वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम करते हैं, परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म लग जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वर्ड जहां कंटिन्यूअस आ गया वहां आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना, परफेक्ट सेंटेंस है उसमें कहीं कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल कंटिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म लगेगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वहां पे भी क्योंकि वर्ड दे दिया कंटिन्यूअस इसलिए कंटिन्यूअस की यानी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। तीसरा इसका महत्वपूर्ण होता है आई हैव टू, जब कोई मजबूरी में जबरदस्ती में फोर्स करके कोई काम करा रहा हो या कुछ ऐसी मजबूरियां हमारी बन गई हो कि हमें वो करना ही पड़ेगा तो उसके लिए क्या होगा, वहां हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये यूज हम करेंगे, यानी हैव के साथ वहां पे टू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हैव का प्रयोग, अभी हम देखेंगे किसका, वुड का प्रयोग। देखिए ये हैव का प्रयोग देख लिया हमने, अब हम देखेंगे वुड का, ठीक है। तो एक तो वुड कब बनेगा, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो पहला वुड तो यही लगेगा, ठीक है, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो। कैसे, देखो, शी सेड दैट, उसने कहा कि दैट शी विल नॉट गो, शी विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, शी सेड दैट शी विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, उसने कहा कि वो कल दिल्ली नहीं जाएगी, उसने कहा कि वो कल दिल्ली नहीं जाएगी। आई सेड दैट, आई सेड दैट ही विल नॉट, आई सेड दैट ही विल नॉट अटेंड क्लास टुमारो, मैंने कहा कि वो कल क्लास अटेंड नहीं करेगा, आई सेड दैट ही विल नॉट अटेंड क्लास टुमारो। They said that they will not quarrel. They said that they will not quarrel anymore. उन्होंने कहा कि वो और झगड़ा नहीं करेंगे। तो तीनों सेंटेंस कैसे हैं, देखो तीनों सेंटेंस जो हैं उनमें पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है पास्ट से, किससे शुरू हो रहा है, पास्ट से, ठीक है। तो ये आई सेड, ये शी सेड, ये दे सेड, इसलिए जो बाद वाला सेंटेंस है वो क्या होगा, वो कभी भी किस में नहीं हो सकता, वो आपका फ्यूचर में ये विल का प्रयोग उसमें कभी भी नहीं हो सकता। विल का अगर पहले से पास्ट में सेंटेंस दे दिया हो तो जो उससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है उसमें विल की बजाय क्या होगा, विल की पास्ट फॉर्म लग जाती है, क्योंकि वो ये बता देगी कि ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं पास्ट में बना हुआ है। जैसे शी सेड दैट शी वुड, She said that she would not go to Delhi tomorrow. I said that he would.
आई सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड क्लास टूमोरो, और दे सेड दैट दे वुड, यहां पे भी क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे वुड नॉट क्वरल एनी मोर। ठीक है, ये है वुड का पहला प्रयोग, वुड का कौन सा हो गया ये पहला प्रयोग। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इसका प्रयोग होता है वो होता है प्राथमिकता के लिए, किसके लिए, प्राथमिकता यानी प्रिफरेंस, अगर दो चीजों में से कोई एक चुनना पड़ रहा हो आपको तो होता है प्रिफरेंस यानी प्राथमिकता। कैसे होगी प्राथमिकता, देखो आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा देन कॉफी, देन कॉफी सेकेंड वाला कॉफी है, मैं कॉफी की अपेक्षा चाय लेना पसंद करूंगा। तो यहां प्राथमिकता दे रहा है ना, वो प्राथमिकता यानी कि दो चीजों में से एक चीज क्या है उसे चुन रहा है, वो उसको प्रिफरेंस दे रहा है। तो आई वुड रादर टेक, ये जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का, ये किसको प्राथमिकता दे रहा है, टी को, किस पर, कॉफी पे, तो वहां है आई वुड रादर, तो ये वुड रादर का यूज होगा दोनों का, किसका यूज होगा, वुड रादर। अब देखो आई वुड रादर टेक टी, आई वुड रादर टेक टी, अब देखो कोई आपके यहां पे आया तो आप उससे कहो कि भाई क्या लेना पसंद करोगे, तो अब वो ये ना बताए कि भाई मैं इसकी बजाय ये लेना पसंद करूंगा, वो बस अपनी प्राथमिकता बता दे कि मैं तो जी चाय लेना पसंद करूंगा, तो आई वुड रादर टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। वो वहां क्या था, मान लो आपके घर पे कोई आए, आपने कहा कॉफी बना दो, तो दूसरा आदमी बोला नहीं नहीं जी मुझे कॉफी कम पसंद है, मैं तो कॉफी के बजाय चाय लेना पसंद करूंगा, तो वहां दोनों चीजें यूज कर ली, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, मैं कॉफी के बजाय चाय लेना पसंद करूंगा। यहां पे क्या है, आई वुड रादर टेक टी, कि मैं भी मैं तो जी चाय लेना पसंद करूंगा बस। ठीक है, तो ये है जब आपको दोनों ऑप्शन ना देने हो, और ये है जब दोनों में से एक ऑप्शन आपको देना हो। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, ये है तीसरा है, देखो भाई पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, पोलाइट यानी कि नम्रता से जो निवेदन करते हैं, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप कृपा करके मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज, क्या आप मुझे कृपया करके 100 रुपए दे देंगे, यानी ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, कैसी रिक्वेस्ट है, जहां कोई नम्रता से निवेदन करता है उसे बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये वो है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा भाई, इसके अलावा प्राथमिकता हमारी हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, एक है अब वुड लाइक, ठीक है, वुड लाइक माने है इच्छा करना किसी चीज की, क्या है, इच्छा करना, आई वुड लाइक टू मीट हिम, आई वुड लाइक टू मीट हिम, मैं उससे मिलना पसंद करूंगा, ये मैं किसी चीज की इच्छा कर रहा हूं, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक यू टू माई ऑफिस, मैं तुम्हें अपने ऑफिस ले जाना पसंद करूंगा, तो यह है आई वुड लाइक टू टेक यू टू माई ऑफिस, आई वुड लाइक टू मीट हिम, मैं उससे मिलना पसंद करूंगा, ये इच्छा के लिए होता है, किसके लिए होता है ये, इच्छा के लिए। ठीक है, अब है कोरी कल्पना, कोरी जो कल्पना है, अब है कोरी कल्पना, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वुड फ्लाई, कि मैं उड़ता उड़ पाता, मेरी इच्छा है कि मैं उड़ पाता, आई विश आई वुड फ्लाई, मेरी इच्छा है कि मैं उड़ पाता। ठीक है, आई विश आई कुड स्विम, आई विश आई वुड स्विम, मेरी इच्छा है कि मैं तैरता, क्या है मेरी इच्छा, कि मैं तैरता, मेरी इच्छा है कि मैं उड़ पाता, और मेरी इच्छा है कि मैं तैरता, तो ये कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना विश का मतलब ही क्या है, कि ये चीज है नहीं, ये मैं कर नहीं पा रहा हूं, जिसे मैं करता हूं उसे तो विश थोड़ी करूंगा,
यानी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है? वहाँ पे वुड का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो विश वाले कई और भी वर्ड होते हैं, आई विश है जैसे, जैसे कि आई विश है, ऐसे ही कुछ और वर्ड भी होते हैं कल्पना के। कैसे होते हैं कल्पना के? जैसे ही बिहेव्स एज इफ, वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ही वर ए किंग, जैसे कि वह एक राजा हो। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आई विश का मतलब ये नहीं है कि मैं कल्पना करता हूं, इसके अलावा भी कुछ वर्ड है जिसमें कल्पना के बारे में सोचा जाता है। जैसे कि ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है एज इफ, जैसे कि ही वर ए किंग। अब देखो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है पूरे में, ठीक है, जब वर्ब नहीं है इसमें, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए यहां वुड का प्रयोग नहीं होगा। वुड का तभी होता है जब सिंपल, जब उसके बिना हो, मेन वर्ब के बगैर हो सेंटेंस, बिना एक्शन वर्ब के हो, तो वहां वर्ब का प्रयोग होता है। चाहे एक वचन ही हो सेंटेंस, चाहे ही है, देखो ये गलती भी आती है पेपर में, ही है, लेकिन इसके बाद भी अगर पहला जो सेंटेंस है उसमें कोई इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में चाहे वो एक वचन करता है, उसके साथ वर का ही प्रयोग होता है। क्या होता है? वर का ही प्रयोग होता है। जैसे शी शोज, वह दिखाती है एज इफ, जैसे कि शी वर ए क्वीन, जैसे कि वो एक रानी हो। वह ऐसे दिखाती है जैसे कि वह एक रानी हो। तो यहां भी क्या देखो, वह दिखाती है, दिखाती है मतलब जैसे कि वो हो, इसका मतलब वो है नहीं, वो है नहीं, वो दिखावा ऐसे करती है जैसे कि रानी हो, इसलिए एज इफ का यूज हुआ। और जब एज इफ का यूज हुआ तो आई विश, ऐसे ही देखो एक सेंटेंस और, आई विश, मेरी इच्छा है आई वर ए किंग, कि मैं एक राजा होता। ठीक है, जिसमें मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब नहीं रहेगी, वहां क्या होगा, वहां जो हमारा कर्ता रहेगा वो रहे चाहे एक वचन चाहे बहुवचन रहे, उसके साथ फिर जो है वर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वर का। किसका होगा? वर का, कि मैं ये होता। पास्ट में जाता है सेंटेंस, तो पास्ट में एक वचन के साथ वाज लगना चाहिए, लेकिन लगाएंगे क्या? हमेशा वर। और ये गलती बहुत आती है। गलती कैसे आती है? ही बिहेव्स एज इफ ही वाज ए किंग, वैसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक राजा हो। तो जैसे कि वो ऐसा हो, यानी जो नहीं है उसे दिखाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक वचन के साथ भी वर का प्रयोग करेंगे। दूसरा, शी शोज, वह दिखाती है एज इफ शी वर ए क्वीन, वैसे दिखाती है जैसे कि रानी हो, यानी कि वो रानी है नहीं, वो दिखाती है ऐसे जैसे रानी हो। और आई विश आई वर ए किंग, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक्शन करता कोई, तो वहां सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग हो जाता। अगर एक्शन नहीं है, सिंपल ऐसे ही सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, तो वहां पे वर्ब का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां कोई एक्शन वर्ब है ही नहीं, यहां एक्शन वर्ब थी इसमें देखो फ्लाई है। ठीक है, आई विश आई वुड स्विम, ये स्विम होना था, ये मैंने हिम लिख दिया गलती से, ये स्विम होना था। तो आप देख लीजिए यहां दोनों जगह क्या है, यहां एक्शन वर्ड है, इसलिए इसके साथ वुड का यूज किया है। जहां एक्शन वर्ब नहीं है वहां बी आता है, इसलिए बी की फॉर्म पास्ट में क्या होती है, वाज और वर। लेकिन हमने आपको बता दिया ही हो चाहे आई हो चाहे दे हो चाहे शी हो, सबके साथ वर का ही प्रयोग होगा। और ये सीधी सीधी गलती आपके पेपर में आती है। तो वर्ब बेसिक जो है, इसमें से लगभग लगभग 90% से ज्यादा हमने कवर कर लिया है, और यही चीजें इसमें आती हैं। जो गलतियां हैं मेन मेन, वो मैंने आपको बताया था, डेयर की आती है, नीड की आती है, विश वाली आती है, यूज टू की आती है, वुड की आती है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे इसमें। इसके अलावा एक होती है कंफ्यूजिंग वर्ब। क्या होती है? कंफ्यूजिंग वर्ब। तो कंफ्यूजिंग जो वर्ब है वो मैं अलग से आपको करवाऊंगा, चैप्टर से अलग, एज ए प्रैक्टिस वीडियो। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस वीडियो मैं आपको वो करवाऊंगा जो आगे क्लास आएंगी उनमें। तो अब हम वर्ब समाप्त करने के बाद जो हमारा यहां पे चलेगा वो चलेगा टेंस। क्या चलेगा? टेंस। ठीक है, तो मंगलवार को हम टेंस की वीडियो लेके आएंगे, उससे पहले सोमवार को, यानी कि उससे पहले सोमवार को एक बार हम शुरुआत कर देंगे वोकैब की वीडियो की। किसकी? वोकैब की। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारे, एक तो है रोजगार विद अंकित और एक है अंगिरा कोचिंग, ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज की अपडेट हम वहीं देते हैं। वो आप ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी चीज की अपडेट हम रोजगार विदंकित या अंगिरा कोचिंग पे देते हैं। उसके अलावा अंगिरा कोचिंग पे जीएस का क्विज चला हुआ है, जो हर एग्जाम में, यानी जीएस का क्विज है हर एग्जाम के लिए आपके यूज में आएगा, और उसमें लगभग 2500 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, 2500 दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक। और उसके आगे जो है, मतलब मेरा लक्ष्य तो है उसमें 10,000
के कुछ करीब क्वेश्चन पड़े हों, लेकिन 10,000 क्वेश्चन क्योंकि वो फोन में टाइप करने पड़ते हैं तो टाइम लगता है और उतना कई बार होता नहीं है, फिर एक लिमिट है फोन में टाइप करने की, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 क्वेश्चन है मैं वो डलवा दूंगा आपको विद इन 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है रोजगार विद अंकित, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल कोई सा भी रोजगार विद अंकित या अंगिरा कोचिंग आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत मतलब का काम वहाँ पर रहता है, ठीक है। क्योंकि आज चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो इसलिए आज की बस हम क्लास यही रखेंगे, नया चैप्टर नई क्लास से ही शुरू होगा। तो आप एक बार जरूर अगली क्लास में आने से पहले वर्ब का जितना मैंने पढ़ाया एक बार उसे रिवाइज करके आइए। अगर आपके कोई भी डाउट हैं वर्ब में तो इस वाली वीडियो पे जो लास्ट है वीडियो आज की, इसी पे आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए एक स्पेशली डाउट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।